आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। सिविल अस्पताल नूरपुर में रोगी कल्याण समिति की बैठक एसडीएम नूरपुर की अध्यक्षता में आयोजित की, जिसमें नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश पठानिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सिविल अस्पताल नूरपुर के एसएमओ डॉक्टर एसके महाजन ने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देने के साथ वर्ष 2018-19 का 1,58,500 रुपए का बजट पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। इस बजट में बीपीएल के सभी टेस्ट मुफ्त करने व बीपीएल और एपीएल के लिए दवाइयों को खरीदने के लिए 10 लाख का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। चूंकि प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है, इसी के तहत सरकार ने नूरपुर के इस अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर 200 बेड का किया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मातृ शिशु अस्पताल का कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा, साथ ही स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाएगा। चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे जो है तो उसका तोहफा मिला, उसका कार्य भी बहुत जल्द शुरू होने वाला, 1-1.5 महीने में काम शुरू लगभग शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ रोज की रोज बढ़ रही है, रोज कल भी 2 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया, आने वाले हफ्ते में 3-4 डॉक्टर्स ज्वाइन करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो है स्ट्रेंथ को सफिशेंटली इंक्रीज करें। जैसे जैसे डॉक्टर्स की नई रिक्रूटमेंट आएगी, हम इसको स्ट्रेंथ को बढ़ा के जो है 22-30 तक लेके जाने वाले हैं। एक प्रपोजल हमने सोलर प्लांट का बनाया जो हमने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान हमने एक प्रपोजल बनाया, वो भी हमने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। बोथ द प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड और सोलर का तो लगभग हमें 90% से ऊपर जो है इसका गो। अस्पताल में सोलर प्लांट लगवाया जाएगा, जिससे बिजली की बचत होगी। विधायक और रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष एसडीएम नूरपुर ने भी अस्पताल प्रशासन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएमओ डॉक्टर नीरिजा गुप्ता, अधिशासी अभियंता आईपीएच केके कपूर, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जेएस राणा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इंदौरा कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।